नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आपका स्वागत है आईडीसी डिजिटल प्रिंट सॉल्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आईडीसी डिजिटल प्रिंट सॉल्यूशन को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पहले हम लोग स्क्रू खोल लेंगे। ये चार स्क्रू होते हैं, ये साइड वाला स्क्रू खोलना है। एक इस साइड में स्क्रू है, और ये कर्व कवर जो है रिमूव हो गया, ऊपर का कवर भी रिमूव हो गया। इस तरफ में एक स्क्रू इसके ही जस्ट नीचे है बिल्कुल। फ्यूज़र को इस तरफ कर देना। अब ये देख रहे हैं आप प्रेशर, इसको रिलीज़ करना है, हमें खोलना है। प्रेशर रिलीज हो गया एक साइड का, दूसरी साइड का। ये दूसरी साइड का भी प्रेशर रिलीज हो गया और ये अब हम फ्यूज़र को कर देंगे सीधा। अब आप देख रहे हैं एक और दो, दोनों स्क्रू खोल देने। ये खोलने के बाद से उठाओ हल्का सा, हमें अब इस साइड से पकड़ के ऊपर की तरफ उठा देना। एक कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर निकाल लेना है। ये वाला जो कनेक्टर है वो इसमें रहता है, ये वाला कनेक्टर यहाँ लगता है। अभी हमें एक काम और करना है, लैंप निकालना है। तो लैंप कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको खोले। स्क्रू ये वाला खोलना है, और इसके कनेक्टर खोल लिया मैं। तीनों कनेक्टर निकाल लेने, प्रेस करके उसे। अलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसे ही अपोजिट साइड, दूसरी साइड में कनेक्टर खोल लो पहले यहाँ के। ये आप ऊपर देख रहे होंगे कनेक्टर हैं, ये सारे निकालने हैं। ये रेड, येलो नहीं है, खींचो। और ब्लू, इसमें जुगाड़ कर रखा है कुछ। खोलो जरा, देखो क्या कर रखा है ये। खींचना,
ओके चलो कोई टेपिंग करेंगे, इसका कनेक्शन टूट गया होगा। अब एक ये वाला स्क्रू खोलेंगे हम लोग। और ये आराम से बाहर, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में निकालना है इसको। बिल्कुल सीधा कर लो पहले तार को। ठीक है, अब अंदर की तरफ और दूसरी साइड से खींच लीजिए। लैंप को किसी सेफ जगह पे रख देना। अभी हमने फिर दोबारा से खोल लिया। ये साइड का एक स्क्रू खोलना है, ढीला करना है सर, लॉक ऊपर ऐसे ही, दूसरी साइड लॉक ऊपर। अब आपको क्या करना है, इसको हल्का सा ऐसे करके प्रेस करना है। एक मिनट, एक कपड़ा देना है, कपड़ा दे। ग्लास को बोलते हैं सर्कलिप प्लायर, ये इसी से खुलता है लॉक। इसमें लॉक देख रहे हैं आप यहाँ पर। अब ये हमारा बाहर आ जाएगा ऐसे ही। अपोजिट साइड से भी खोल लेना है। चलो यही लगा, हमने बेरिंग लगा दी। बेरिंग लगाने के लिए हमेशा बुश पहले बेरिंग लग जाएगी, पहले बेरिंग लग जाएगी उसके बाद से बुश लगेगा। मतलब पहले आप बेरिंग डाल लीजिए, उसके ऊपर से बुश डाल लीजिएगा। वैसे स्ट्रिप जो है हमेशा सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए, नहीं हुई है। एक काम करो, आइसो प्रोफाइल ले लो थोड़ा सा, और ये देखो ये सब साफ करना। सर एल्कोहल, ये क्लीन हो गया, इसको उठाकर और ये बैठा दीजिए। ये हमेशा इस टाइप से फिट होना चाहिए। दूसरी साइड भी चेक करो, नहीं लगाएं। ये देखो ये गलत लगाए, ये देख रहे हैं गलत लगा ना, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ। ठीक है, अब सही बैठा है, ये बिल्कुल फिट बैठ गया।
ठीक है, इसको वो करो, हाँ ये दोनों स्क्रू लगा लो, टाइट करने हैं इस स्क्रू को जिसको हमने ढीला किया था। अब ये कनेक्टर लगाना है, कनेक्टर लग गया, इसके स्क्रू कस देना ये दोनों। अब ये स्क्रू लग गए, अब लगाएंगे हम लैंप इधर से, वाइट वाले पोर्शन को पहले अंदर कर दो, अब हम ये यहाँ का लॉक लगाएंगे। तो इसमें तारे कैसे देखेंगे आपको दिख रहा होगा, आर और डब्लू, आर मतलब रेड और डब्लू वाइट। ये हमने रेड खींच ली, वाइट खींच ली और ये ब्लू आ गई। स्क्रू लगाओ, लगाओ इसको, ये स्क्रू लग गया, उस साइड चेक करो, ठीक है कनेक्टर लगा देंगे। अब ये दोनों साइड के कनेक्शन हो गए, इधर के और इधर के, ठीक है कवर लगा देंगे। इस साइड कर लो, रुक जाओ पहले उस साइड पे कवर लगा दो, चल अब हम लगाएंगे प्रेशर। प्रेशर को 17 mm नापते हैं, 17 mm कैसे मैं आपको बता देता हूँ, उंगली हटाओ, फिंगर हटाओ, ये आप स्क्रू देख रहे हैं, ये वाला जो स्क्रू है आप बेस से और यहाँ तक 17 mm होना चाहिए, ये पूरा ऐसे ही दोनों साइड में 17-17 mm होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और कुछ चीज़ें जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट में दे दूँगा।